अगर बहुत ध्यान लगाएंगे भगवान की भक्ति में तो हो सकता है कि घर के सारे काम रुक जाए। ऐसी बातें आती हैं मन में ना कि कैसे भगवान की भक्ति करे। एक इंसान जो व्यापारी है, एक इंसान जो शिक्षक है, क्या वो शिक्षा का कार्य छोड़ दे? क्या वो व्यापार का कार्य छोड़ दे? क्या वो अपने बच्चों की परवरिश का कार्य छोड़ दे जो भगवान की भक्ति करना चाहता है? आखिर करे कैसे? ये सवाल उठता है, आपके मन में भी तो उठता होगा ना कि कैसे करे। अगर भक्ति करनी है ना, भक्ति करनी है तो कबीर की भक्ति कभी देख लो। कबीर दास कभी किसी जगह पे पूजा करते हुए नहीं दिखाई दिए थे? किसी ने नहीं देखा था कबीर दास को पूजा करते हुए, लेकिन कबीर दास को राम जी मिल जाते हैं, प्रभु राम मिलते हैं कबीर दास को। आखिर कारण क्या है? कारण क्या है? कबीर दास जुलाहे का काम करते थे, जुलाहे का काम करते थे, कपड़ा बुना करते थे, सूत काटा करते थे। जिस वक्त सूत काटने के लिए कपास के वृक्ष के पास जाया करते थे तो कपास के वृक्ष से जाकर कहते थे, सुनो मुझे वस्त्र बनाना है, मेरे राम के लिए वस्त्र बनाना है, इसलिए हे कपास, ऐसे कपास को तुम मुझे दो ताकि बेहतर सूत बना सकूं और बेहतर धागों से मैं बेहतर कपड़ा बुन सकूं, वस्त्र बना सकूं, ताकि मेरे राम को मैं दे सकूं। मां राम को ही अर्पण करना है, मेरे भगवान को ही अर्पण करना है। जब कपास लेकर आते थे तो कपास से कहा करते थे कि सुनो ऐसे ही कपास मेरे हाथ में आना जो कोमल हो, ताकि धागे कोमल बने, ताकि वस्त्र कोमल बने और श्री राम के शरीर पे कोई खरोच ना आ जाए। मेरे राम बड़े कोमल शरीर वाले, ऐसा कहते थे, बार बार बातें उनकी होती थी। जिस वक्त वो कपास को लेकर आते थे और चरखे पे जब लगाकर कपास बुनने की कोशिश करते थे तो चरखे को भी सहलाकर और कहते थे, सुनो ऐसे सूत काटना, ऐसे धागे बनाना ताकि एक भी धागा खराब ना हो, क्योंकि राम के लिए वस्त्र बनाना है, मेरे राम के लिए वस्त्र बनाना है, कोई धागा खराब ना हो जाए। बातें तो करते थे उस चरखे से भी, चरखा सुनता था नहीं सुनता था पता नहीं, लेकिन अपनी मन की बातों को जरूर कह दिया करते थे कि सुनो ऐसा वस्त्र मुझे बनाना है कि मेरे राम को वो वस्त्र पसंद आ जाए, राम इनकार न करे। और जिस वक्त धागे बुनते थे, एक एक धागे को बुनते समय कहते थे, देखना टेढ़ा मेढ़ा मत आ जाना, कोई टेढ़ा मत हो जाना, स्वच्छ निर्मल सीधा सादा ही रहना, क्योंकि राम के लिए वस्त्र बनाना है। धागों से भी बात कर रहे हैं, कपास से भी बात कर रहे हैं, चरखे से भी बात कर रहे हैं, क्योंकि राम के लिए वस्त्र बनाना है। और जब वस्त्र तैयार कर लेते थे, जब 10 वस्त्र बुनते थे तो उस समय बार बार उसको अपने हाथों से सहलाते थे, अपने हाथों से सहलाते थे, कभी कभी तो वस्त्र को उठाकर अपने गाल पे भी सहलाते थे, कहीं रुखड़ा तो नहीं लग रहा है, क्योंकि मेरे राम को यह वस्त्र पहनाना है, मेरे राम का शरीर बड़ा कोमल है। और उस वस्त्र से जब वार्तालाप करते थे, बातें करते थे तो राम ही ध्यान में रहते थे। और जब वस्त्र तैयार हो जाता था, जब रंगने की बारी आती थी, जब वस्त्र को रंगने की बारी आती थी तो रंग से भी, उन प्राकृतिक रंगों से भी जाकर पौधों से बात करते थे कि ऐसे रंग मेरे हाथ में आना ताकि ये राम के वस्त्र को रंगना है, कोई साधारण रंग नहीं चाहिए मुझे, उच्च कोटि के उस परमात्मा के लिए मैं वस्त्र बनाना हूं, उसके वस्त्र को रंगना है, इसलिए उच्च कोटि का ही रंग मेरे हाथ में आना, क्योंकि तुम्हारा जीवन भी धन्य हो जाएगा, क्योंकि राम के वस्त्र में जो रंग लगेगा वो भी तो परमात्मा का ही अंश हो जाएगा ना। वस्त्र भी खुश हो जाता था, साथ में रंग भी खुश हो जाते थे। और जब रंग लेकर आते थे और रंग में जब रंगीन करने के लिए कपड़ों को रंग में डुबाते थे तो जल साधारण दूसरे जुलाहे तो कोई भी बहता हुआ पानी, तालाब का, नदी का पानी, किसी भी जल को उठाकर लाते थे और उसमें रंग मिलाकर और कपड़े को रंग दिया करते थे, लेकिन कबीर दास जी महाराज स्वच्छ जल को ही लाते थे, स्वच्छ और पवित्र जल। क्यों? क्योंकि राम के वस्त्र को रंगना है, वो इतना स्वच्छ है मेरा राम कि उसके लिए स्वच्छ जल में कैसे उसको रंग दें। स्वच्छता, जल की स्वच्छता पे भी ध्यान रखते थे। और जब कपड़ों को गीला करके रंग देते थे तो उसके बाद दूसरे जुलाहे ले जाते थे और धूप में कपड़ों को पसार दिया करते थे, वस्त्र को पसार देते थे ताकि धूप में जल्दी वस्त्र सूख जाए।
शाम को ले जाना है बाजार में भी, लेकिन कबीर दास तो छाए में ले जाकर वस्त्र को सुखाया करते थे। जैसे आप छाए में बैठे हैं सभी माताएं बहनें, वैसे ही छाए में ले जाकर वस्त्र सुखाते थे। उसमें दोगुना समय लगता था वस्त्रों को सूखने में, लेकिन कैसे मैं उस वस्त्र को धूप में रख दूं जो मेरे श्री राम के शरीर पे वो वस्त्र जाने वाला है। वो जल जाएगा, वो वस्त्र जल जाएगा, उस वस्त्र में इतनी उष्मा आ जाएगी, इतनी सूरज की तपती गर्मी आ जाएगी कि मेरे राम के शरीर को भी कहीं जला दे, उसके कोमल तन को भी जला दे। इसलिए वस्त्र को भी छाए में ही सुखाएंगे, और छाए में सुखाते थे। और जब वस्त्र तैयार हो जाता था तो ऐसे तह लगाकर रखते थे जैसे कि कोई सोना चांदी को सुंदर खूबसूरती के साथ में सजा कर रख रहा है। और तह लगाने के बाद जब एक पोटली सी बांध देते थे, गठरी बांध कर तैयार करते थे, जब बाजार जाने का वक्त आ जाता था तो ऐसे बांध कर और उस पोटली को उठाकर ऐसे अपने कंधे पे रखते थे जैसे मानो कोई माँ अपने ही बच्चे को अपने कंधे पे बहुत कोमलता से रख रही हो। ऐसा क्योंकि राम का वस्त्र है, ये वस्त्र राम का है, ये कोई साधारण नहीं। और जब उसको अपने कंधे पे लेकर बाजार की तरफ जब जाते थे कबीर दास जी महाराज, तो कबीर दास सड़क के किनारे चला करते थे ताकि कहीं ठोकर न लग जाए, और ठोकर सिर्फ मुझे नहीं इस वस्त्र को भी ठोकर न लग जाए क्योंकि ये श्री राम का वस्त्र है। और जब बाजार में पहुंच जाया करते थे तो दूसरे जुलाहे अपने सर के ऊपर, अपने कंधे के ऊपर पड़ी हुई गठरी को जोर से पटक दिया करते थे, उसके वजन को रख दिया करते थे। लेकिन कबीर दास इंतजार करते थे कि कोई पथिक आए, किसी से सहयोग लूं और तब जाकर उस वस्त्र को रखूं, क्योंकि अगर मैं इस वस्त्र की गठरी को पटकूंगा तो चोट लगेगी, और चोट किसको लगेगी, श्री राम को चोट लगेगी क्योंकि ये राम का वस्त्र है। इतनी कोमलता से रखते थे और तब जाके पूरी दुकान सजाते थे। ऐसे सजाते थे जैसे कि जीवन भर के लिए सजा रहे हैं, जबकि पता था कि बस कुछ ही पल के बाद दुकान को फिर से समेट लेना है। वहीं पर दूसरे व्यापारी अपने दुकान पे वस्त्रों को ऐसे फेंक देते थे कि बस कुछ देर, एक दो घंटे की ही तो बात है, उसके बाद फिर समेट के तो उठ के जाना ही है। लेकिन कबीर दास दुकान को ऐसे सजाते थे जैसे मानो जन्म जन्म के लिए सजा रहे हैं। और उस वस्त्रों को सजाकर जब तैयार करते थे तो बैठ जाते थे अगरबत्ती और सुगंधित धूप जलाकर बैठ जाते थे, और बैठकर बस कहते थे, राम राम आ जाना, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। कितनी देर से मैं आया हूं, कितनी देर से बैठा हूं, देखो ना तुम्हारे लिए वस्त्र लेकर आया हूं, अब तो आ जाओ, अब तो विलंब न करो। और जब कोई ग्राहक आता था तो कबीर दास दोनों बाहों को फैलाकर और कहते थे, हे राम आ जाओ ना, मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। राम मेरे, मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। ग्राहक भी चौंक जाता था, ग्राहक भी आश्चर्यचकित होता था कि मेरा नाम राम नहीं है, लेकिन ये कैसा इंसान है जो मुझे राम कहकर बुला रहा है, और जब वो ग्राहक पास में आता था तो कबीर दास कहते थे, तो कितना देर कर दिया, कब से इंतजार कर रहा हूं। राम तुम हमेशा देर करके आते हो, कभी सबरी को भी तुमने इंतजार कराया, आज तुम मुझे भी इंतजार करा रहे हो, हे राम मैं भी तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, राम आ जाओ ना। जब वो ग्राहक पास में आता था तो कहता था, भाई मेरे सुनो, मेरा नाम राम नहीं है, तुम मुझे राम कहकर क्यों बुला रहे हो। कबीर दास कहते हैं, अरे तू तो बड़ा छलिया है, द्वापर में कोई और नाम रखता है, त्रेता में कोई और नाम रखता है, नरसिम्हा अवतार में कोई और नाम रखता है, वामन अवतार में कोई और नाम रखता है, तू तो छलिया है, हर बार नाम बदल बदल कर आता है, तुलसीदास से भी मिला तो अलग नाम से आया है, सबसे अलग अलग तरीके से वेशभूषा बदल कर आता है, मुझे मालूम है तू ही मेरा नाम है, मुझे पता है तू ही मेरा राम है, इस कलयुग में तू आया है, बस तू छोड़ ना, नाम के चक्कर में क्यों पड़ा है, बस आ जा, तेरे लिए वस्त्र उठाते थे और वस्त्र को राम के हाथ पे, यानी उस ग्राहक के हाथ पे रखते थे और कहते थे, देख तो लो ये कितना कोमल है, ये तुम्हारे लिए बुना है मैंने, देखो ना तुम्हारे शरीर पे कितना सुंदर लगेगा, देखो ना ये रंग तुम्हारी ही दृष्टि को, तुम्हारी काया को दृष्टि में रख कर ही मैंने इस रंग को तैयार किया, एक बार अपने तन पे रख कर तो देख लो कि कितना कोमल वस्त्र है, कितना सुंदर है। जब उस वस्त्र को स्पर्श करता था, ग्राहक छूता था, तो ग्राहक को भी लगता था ये कितना कोमल वस्त्र है, सच में कोमल वस्त्र है। और जब ग्राहक पूछता था इसकी कीमत कितनी है, तो कहता था, कीमत
इस जिंदगी को भी चलाने वाले तुम ही हो, इस जिंदगी को चलाने वाले तुम ही हो, इस जन्म को देने वाले तुम ही हो, और तुम मुझसे वस्त्र की कीमत मांग रहे हो। हे राम, ये सब कुछ तुम्हारा ही है, मैं भी तुम्हारा हूँ, ये वस्त्र भी तुम्हारा है, सब कुछ तो तुम्हारा ही है। जो मर्जी जैसे मर्जी तुम लेकर जाओ। ग्राहक अपनी ही खुशी से, कई बार तो ग्राहक परेशान हो जाते थे और ग्राहक पड़ोस के ग्राहकों से, दूसरे दुकानदारों से पूछते थे, दूसरी दुकानें जो पटरियों पे लगा करती थी उनसे पूछते थे, भाई ये तो बता ही नहीं रहा, इसकी कीमत तुम ही बता दो, तुम ही बता दो कि इस वस्त्र की कीमत कितनी होनी चाहिए। तो जो तो ग्राहक बोलता था, दूसरे दुकानदार बोलता था कि इसकी कीमत इतनी होनी चाहिए, तो वो ग्राहक पैसा उतने रख कर कबीर दास के पास और चला जाया करता था, ये बोलते हुए कि कहां पागल इंसान से भेंट हो गई, कहां इस पागल से भेंट हो गई, क्योंकि ये तो कहता है कीमत कुछ भी नहीं, बस मेरी जिंदगी भी तुम्हारी है, वस्त्र भी तुम्हारा है, मर्जी तुम्हारा है। कैसा पागल है, मुझे राम कहकर बुला रहा है, मेरा नाम राम तो है ही नहीं। लेकिन वो पागल कहते हुए ग्राहक जब जाया करता था, घर पे जब पहुंचता था, तो घर पे जब उस वस्त्र को धारण करता था, जब शरीर पे पहनता था, तो ऐसा लगता था जैसे कि रोम रोम से राम राम की ही आवाज आ रही हो। ऐसा लगता था इतने कोमल वस्त्र को आज तक कभी शरीर पे धारण नहीं किया हो। ऐसा लगता था जैसे जीवन भर की सारी समस्याएं शांत हो गई है, मन शांत हो गया है, शरीर शांत हो गया है, मस्तिष्क में उठने वाली सारी हलचलें शांत हो गई है। ऐसा लगता था जैसे वो भी भक्ति भाव में डूब जाता था, क्योंकि जिस भक्ति भाव के साथ में कबीर दास ने उन कपड़ों को बुना था, वही भक्ति भाव उस पहनने वाले के अंदर भी आ जाया करती थी। कहते हैं कि जैसा अन्न होता है वैसा मन होता है, जिस तरीके से अन्न कमाया जाता है उस अन्न को खाने वाले का मन भी वैसा ही हो जाता है। वैसे ही जिस नियत से और जिस भावना से किसी वस्त्र को बिना जाता है बनाया जाता है, वो भावना उस वस्त्र को पहनने वाले तक वो भावना पहुंच जाती है। ग्राहक कहता था विचित्र इंसान है, पागल तो है लेकिन बड़ी ऊंचे कोटि के कपड़े वस्त्र लेकर आया है। दूसरे दिन वो ग्राहक फिर आता था और कहता था पूरी दुकानें तो सब अच्छी हैं लेकिन हमें तो वो पागल का ही वस्त्र पसंद है। कबीर दास के पास ही आया करते थे ग्राहक और आकर कहते थे, अरे वो जो पागल बैठता है ना, जो सबको राम कहकर बुलाता है, चलो उसी के पास चलते हैं, उसी के पास, भले पागल है लेकिन वस्त्र बड़ा अच्छा रखता है, पागल तो है लेकिन वस्त्र अच्छा रखता है। और दूसरे दुकानदार दिन भर बैठे रह जाते थे कि कोई ग्राहक आए और उनके भी वस्त्र बिके, और कबीर दास बाजार में पहुंचते थे, गठरी अपनी खोलते थे और बस कुछ ही पल में लूट हो जाती थी, इतने सारे ग्राहक। ये वही ग्राहक थे जिसने सब ने उसको पागल घोषित कर दिया था कि कबीर दास पागल है, पागल है, मगर अंदर के हृदय के गहरे तलों से कह रहे हैं कि पागल है मगर बहुत अच्छा है, क्योंकि वो ही राम की भक्ति जो अंदर उठ रही थी, वो भक्ति की तरंगे पहुंच जाती थी उसके पास भी, जिसके कारण से वो भी राममय हो जाता था। कबीर दास ने राम की पूजा कभी नहीं की, ये भी सच्चाई है, लेकिन पूरे जीवन को ही राममय बना दिया। चाहे व्यापार करेंगे, चाहे ग्राहकों से बात करेंगे, तो ग्राहकों की शक्ल में भी राम ही दिखाई देंगे, कपास में भी राम दिखेंगे, रंगों में भी राम दिखेंगे, जल में भी राम ही दिखाई देंगे, और उस बुनने वाले करघे में भी राम ही दिखाई देंगे, सहयोग करने वाला राम, खरीदने वाला राम, पागल कहने वाला राम, राम में ही पूरा जगत, यानी राम सिर्फ अंदर नहीं है, राम पूरे जगत में है, सभी जगह, निराकार भी वही है और साकार जो दुनिया दिख रही है उसमें राम ही राम है। तो जब कोई भगवान मैं कर देता है, जब कोई मां आदि शक्ति मैं कर देता है अपने जीवन को, जब राम मैं कर देता है, जब कोई कृष्ण मैं कर देता है, तो उसकी पूजा उठते बैठते चलते खाते पीते व्यापार करते सभी कर्मों में उसकी पूजा निरंतर चलते रहती है। यही है भक्ति का सूत्र जो कबीर दास ने कहा है कि तू पूजा करके मत सोचो भगवान को प्रसन्न करेंगे, जो भी कार्य करो उसको ही पूजा बना दो, और हर कार्य को समर्पित करो कि राम के लिए ही कर रहे हैं, भगवान के लिए कर रहे हैं, कुटिया माई के लिए कर रहे हैं, तो निश्चित तौर से जो होगा वो विलक्षण होगा, वो विलक्षण होगा, फिर एक जुलाहा भी बन जाएगा विश्व का महान संत, जो सदियों गुजर जाने के बाद भी आज भी अमर है और आगे भी अमर रहेगा। बोलिए कबीरदास जी महाराज की जय, भगवान आदिशक्ति की जय।